हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड मैथ के बारे में, और बीएससी पार्ट सेकंड जो मैथ के बारे में हम बात कर रहे थे उसके सेकंड पेपर अवकल समीकरण की यूनिट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब अवकल समीकरण में हमने बात की उसकी घात क्या होती है, उसकी कोटि क्या होती है। उसमें हम चल रहे थे चरों को पृथक कर हल करने वाली विधि पर। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, विचित्र हल, व्यापक हल, तीनों की हम बात कर चुके हैं। अवकल समीकरण की कोटि की बात कर चुके हैं, घात की बात कर चुके हैं हम। और कोटि और घात कैसे ज्ञात करनी है कि उसमें समाकलन वगैरह के एक्स्ट्रा साइन नहीं होनी चाहिए, और उसकी घातें कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक घात होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक घात होनी चाहिए। तो हम अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने वाली विधियों पर चल रहे थे। उसमें हमने कुछ सवाल किए और उन सवालों को हम कर रहे थे। कुछ सवाल आप भी कर रहे होंगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपका रहेगा, ठीक है। स्टडी में एक विशेष बात यह है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। स्टडी में रेगुलरिटी होनी चाहिए। हम एक दिन पढ़ते हैं और 4 दिन रेस्ट करते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हम कुछ सवाल कर चुके थे, उसके बाद हम कुछ सवालों को और हल करेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड किसकी बात कर रहे थे हम? मैथ्स की बात कर रहे थे। मैथ्स के पेपर सेकंड की बात कर रहे थे, और सेकंड में हम यूनिट फर्स्ट पर चल रहे थे। यूनिट फर्स्ट जो क्या है, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके हम आगे सवालों की बात करते हैं। एक सवाल है आपके पास, 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई और ये डी एक्स इक्वल 0। हम बात कर रहे थे चरों को पृथक करने वाली विधि पर चल रहे थे। चरों को पृथक करने की हम जहां बात करेंगे उसका कहने का मतलब यह है कि dy जहां है तो वहां पर y के पद होने चाहिए, और dx जहां है वहां पर किसके पद होने चाहिए, x के पद होने चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बराबर के उधर भेज सकते हो और चाहो तो यहां रख सकते हो। जैसे आप उसका क्या करो, पक्षांतरण करो। 1 माइनस एक्स डी वाई इक्वल 3 प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये बताओ तुम, ये आपको यहां चाहिए क्या? नहीं, डी एक्स वाली संख्या है जो डी एक्स के नीचे आनी चाहिए, और जो डी वाई वाई वाली संख्या है वो डी वाई के नीचे आनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसका भाग इधर दे देते हैं, इसका भाग इधर दे देते हैं, ठीक है भाई। इधर देखो तो डी वाई के बट्टा में तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई बराबर डी एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। हमें क्या करना है आगे, इसका समाकलन। समाकलन करने पर देखो भाई, डी वाई बटा में 3 प्लस वाई इक्वल डी एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा नीचे जो भी चर दे रखा है उस चर की पावर कितनी है, एक। नीचे जो चर दे रखा है उसकी पावर कितनी है, एक। और 1 बटा x का समाकलन लॉग x होता है। 1 बटा x का समाकलन क्या होता है, लॉग x, ठीक है। इधर हो गया लॉग 3 प्लस y, गुणांक 1 है तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर है लॉग 1 माइनस x गुणांक -1, -1 का भाग देना ही पड़ेगा आपको, प्लस लॉग सी। यदि सभी लॉग में आ रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंट भी क्या जोड़ेंगे, लॉग,
भाई एन ई सी समाकलन है तो एक अचर राशि आपको जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इधर देखो, लॉग वाई प्लस थ्री इक्वल माइनस लॉग वन माइनस एक्स प्लस लॉग सी। एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसमें, प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ए बटा बी, लॉग ए माइनस लॉग बी यानी लॉग ए बटा बी। तो ये अप्लाई कर दिए लॉग वाई प्लस थ्री, तो लॉग सी बटा वन माइनस एक्स। हम एक ही घात के रूप में लेंगे, एक ही घात लेने पर एक ही घात लेने पर, और जैसे ही हम एक ही घात लेंगे लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल होते हैं, तो y प्लस थ्री बराबर आ गया c बटा वन माइनस एक्स। नेक्स्ट चलते हैं, y प्लस थ्री बराबर आ गया c बटा वन माइनस एक्स, वज्रगुणा कर देंगे, y प्लस थ्री बराबर वन माइनस एक्स इक्वल सी। ये आपका आंसर, फिर से देखो भाई ये सवाल दे रखा है आपके पास। ठीक है, हमें क्या करना है, चरों को पृथक, एक बार हम इसका ट्रांसफर कर देते हैं, इसको उधर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो गया, प्लस का। थ्री प्लस वाई का इधर भाग दे दिए और वन माइनस एक्स का उधर भाग दे दिए। ठीक है, समाकलन कर देंगे, एक बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, ये लॉग एक्स गुणांक माइनस वन का भाग देंगे, और लॉग सी, यदि सभी लॉग में आ रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंट भी क्या जोड़ेंगे, लॉग ही जोड़ेंगे, तो लॉग वाई प्लस थ्री माइनस से लॉग माइनस लॉग वन माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, लॉग सी। लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या हो गया, लॉग ए बटा बी, लॉग ए बटा बी। लॉग वाई प्लस थ्री बराबर लॉग सी बटा वन माइनस एक्स, एक ही घात लेंगे तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वाई प्लस थ्री ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, नोट करो, हो गया भाई। आगे वाला नोट करो,
नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। पहले तो हम इसको उधर भेजते हैं, एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलो भाई, हमें क्या करना है, चरों को पृथक, यानी एक्स की तरफ किसका मैटर होना चाहिए, एक्स का ही, और वाई की तरफ किसका मैटर रहे, केवल वाई का, यानी इधर तो एक्स्ट्रा है ये और इधर एक्स्ट्रा है ये, इन दोनों का दोनों तरफ भाग दे देते हैं। तो एक्स डी एक्स बटा में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो गया, इधर हो जाएगा वाई डी वाई बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, एक बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर वाई सेक स्क्वायर वाई और ये डी वाई। वाई सेक स्क्वायर वाई और डी वाई, इधर देखो भाई, एक चर के साथ दो दो चर हैं, डी एक्स के साथ भी कितने हैं दो, डी वाई के साथ भी कितने हैं दो, और जहां पर दो चर होते हैं वहां पर एक फॉर्मूला चलता था हमारे, इलेवंथ में भी चलता है, ट्वेल्थ में भी चलता है, और फर्स्ट ईयर में भी चलता है, पार्ट फर्स्ट में भी, इसका मतलब वो फॉर्मूला कौन सा है, आई लेट, आई लेट, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, लेट का मतलब है लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब है एलजेब्रिक, टी का मतलब है त्रिकोणमिति वाले ट्राइगोनोमेट्रिक, और ई का मतलब है ई की पावर एक्स वाले फंक्शन। हम दो फंक्शन हैं, दोनों का जैसे अवकलन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से, वैसे ही समाकलन भी करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे इस लाइन के अनुसार, यदि इनवर्स फंक्शन दिया गया है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देनी है फर्स्ट। ठीक है, इनवर्स फंक्शन नहीं है सवाल में, आपके पास लॉगरिदम है तो लॉगरिदम वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और लॉगरिदम भी नहीं है, एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक का मतलब है जैसे ये आते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा वाई स्क्वायर, ऐसे जो फंक्शन होंगे उनको हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और यदि वो भी नहीं है तो त्रिकोणमिति वाले को क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, और त्रिकोणमिति वाला भी नहीं है तो ई की पावर एक्स वाले को क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी इस लाइन के अनुसार ही आपको फर्स्ट मानना है, यदि इनमें से कोई सा है तो उनको सबसे प्रथम प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फिर होगा कैसे इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास है u डॉट v और ये dx, दोनों ये x के फलन है और दोनों का ही समाकलन करना है, हमारे पास u तो है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट को रोकना है और सेकंड का समाकलन करना है, फर्स्ट को रोकना है और सेकंड का क्या करना है, समाकलन, माइनस सूत्र में रहेगा, और फर्स्ट का क्या करना है, अवकलन डी यू बटा डी एक्स, फर्स्ट का क्या करना है, अवकलन, फिर सेकंड का क्या करना है, समाकलन वी डी एक्स, सेकंड का क्या करना है, समाकलन, और फिर कंप्लीट का इन दोनों का क्या करना है, समाकलन। ये हुआ आपका फॉर्मूला। यहां पर प्लस सी तो आएगा ही। ठीक है, फिर से देखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट में जो पहले आएगा उसे हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे।
फर्स्ट को रोकेंगे और सेकंड का क्या कर देंगे, समाकलन। फिर फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और फिर इस कंप्लीट का समाकलन, फिर इस कंप्लीट का समाकलन हो गया प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ये आपको उतारना है बिल्कुल एग्जैक्ट। आगे चलते हैं, हमारे पास था एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर और डी एक्स। एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, हमारे पास क्या है एक्स बराबर है वाई सेक स्क्वायर वाई और ये डी वाई। अब हम क्या करेंगे इसका समाकलन, समाकलन करेंगे। ये इंटीग्रेशन, ये x हो गया, ये sec स्क्वायर x हो गया और ये dx हो गया बराबर ये इंटीग्रेशन, ये y हो गया, ये sec स्क्वायर y हो गया, ये dy हो गया और ये क्या हो गया प्लस c, ये क्या आ गया प्लस c। अब इधर देखो, इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं दोनों तरफ। अब फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, आईलेट, आई यानी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन नहीं है, एल आई ले एल, एल का मतलब है लोगरिथम, लोगरिथम भी नहीं है, और ए यानी एलजेब्रिक, एलजेब्रिक है तो हम इसको तो मानेंगे क्या फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, शेष जो रह गया वो उसको क्या मानेंगे सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट को रोक लेते हैं और हम क्या करेंगे सेकेंड का एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और फिर इस कंप्लीट का भी क्या करेंगे समाकलन। इधर का काम पूरा हो गया, उधर वाले बात करेंगे, फर्स्ट को रोक लेंगे और सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और फिर इस कंप्लीट का समाकलन और ये प्लस सी। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं है। इधर देखो, हम यहां पहुंच गए, फर्स्ट को रोक लिए, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर कंप्लीट का समाकलन, फर्स्ट को रोक लिए, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और फिर कंप्लीट का समाकलन। एक ये ध्यान रखना, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा इसका समाकलन होता है tan थीटा। ठीक है, इसका समाकलन क्या होता है भाई, tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्स टेन एक्स, एक्स टेन एक्स, ये इंटीग्रेशन, ये वन, ये टेन एक्स और ये डी एक्स बराबर वाई टेन वाई माइनस वन डॉट टेन वाई डी वाई प्लस सी। पीछे देख लो भाई, फिर से देख लो, एक्स sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, इसका अवकलन वन हो जाएगा, इसका टेन एक्स हो जाएगा, इसका टेन वाई, इसका अवकलन वन और इसका टेन वाई। ठीक है, यहां पहुंच गए, किसी कोई तकलीफ नहीं है। इधर देखो, एक फॉर्मूला होता है tan थीटा d थीटा बराबर होता है log sec थीटा। क्या होता है भाई, log sec थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, x tan x माइनस log sec x बराबर y tan y माइनस log z
sec y, उसका क्या हो गया, इसका हो गया log sec y, इसका हो गया log sec x, और प्लस c, प्लस c, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है? पीछे देखो, ये सवाल आपके पास, दोनों को अलग अलग कर दिए, फर्स्ट अलग अलग कर दिए, या गया यहां पर पहुंच गए, ये ऊपर जाएंगे, एक बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, एक बटा कोस थीटा यदि सेक थीटा होता है तो ये एक्स सेक स्क्वायर, और ये दो दो संख्या आ गई, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई लेट वाला फॉर्मूला यह आपके पास, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र ये होता है, और इस सूत्र को अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहुँच गए, ये अप्लाई कर दिए इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट इंटू सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, तो एक्स टेन एक्स, टेन एक्स और टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स, और ये आपका फाइनली क्या प्राप्त हो गया आपको आंसर, नोट करो भाई। नेक्स्ट पेज भी आओ भाई, ये फॉर्मूला लिखो, आगे चलो भाई नेक्स्ट।
ठीक है भाई, हो गया, आगे चलते हैं। ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, हमें चरों को पृथक करना है। सबसे पहले देखो, इधर देखते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ए वाई, ये इधर आएगा माइनस एक्स वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे चलते हैं भाई। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है एक्स और एक आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से शेष रहेगा ए और वहाँ से रहेगा माइनस वाई प्लस टू ए वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसको उधर ट्रांसफर करो, यानी उसको उधर करो और इसमें से क्या लो, माइनस कॉमन लो। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया माइनस टू ए वाई। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, वाई को वाई की तरफ लाओ और एक्स को कहाँ भेजो, उधर बट्टे में। हम इधर ले आते हैं केवल ए वाई को, ए वाई को, ए वाई को इधर लाएंगे तो वाई माइनस ए अपॉन ए वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू बटा इक्वल टू बटा एक्स। तो इधर देखो, अलग अलग दोनों में क्या देते हैं, इधर से भाग और डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई बटा हो जाएगा ए वाई माइनस ए बटा भी क्या हो जाएगा ए वाई, और ये क्या हो गया डी वाई। इधर हो गया टू बटा एक्स और ये क्या हो गया डी एक्स, टू बटा एक्स और क्या हो गया डी एक्स। इधर से कुछ कटेंगे तो ये वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन वाई, और ये क्या हो गया डी वाई इक्वल क्या हो गया टू बटा एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स। क्या कर देते हैं समाकलन, इधर देखो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, डी वाई बटा ए माइनस डी वाई बटा वाई इक्वल टू बटा एक्स और ये डी एक्स। इन दोनों को एक तरफ करो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट राशि आ रही है, कांस्टेंट राशि को हम सी के साथ रखेंगे, तो उधर हो गया डी वाई बटा वाई प्लस दो बटा एक्स और ये डी एक्स। ये तो हो गया उधर की साइड, और इधर कौन कौन से गए डी वाई बटा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका समाकलन, आगे क्या करेंगे समाकलन। अब हम जैसे ही इसका समाकलन करेंगे, क्या था वो है डी वाई बटा वाई, डी वाई बटा वाई प्लस टू बटा एक्स डी एक्स, और इधर है डी वाई बटा ए। इन सभी का क्या करना है समाकलन, इन सभी का क्या करना है समाकलन, फिर से चेक कर लो, डी वाई बटा वाई टू बटा एक्स डी एक्स और डी वाई बटा ए। ठीक है भाई, इन सभी का हम जैसे ही समाकलन करेंगे, एक बटा एक्स का समाकलन मैंने पहले कहा था वो क्या होगा लॉग एक्स यानी लॉग वाई प्लस दो तो कॉन्स्टेंट है, एक बटा एक्स का समाकलन लॉग एक्स इधर डीवाई बटा ए है, यानी वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, और y का समाकलन y प्लस लॉग c नहीं करते हो तो ये लॉग c कर दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इधर देखो भाई,
हम इसमें से ये 2 कहा जाएगा उसकी पावर में। क्या होता है यदि a log b है, a log b है तो इसे हम log b की पावर a भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, एक log की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी है। तो log y प्लस log x स्क्वायर बराबर y प्लस ए सी बटा में, ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log a प्लस log b की, यानी ये हो गया log x स्क्वायर y इक्वल टू y प्लस ए सी बटा में a, ये हो गया। हम इसे e की घात में ले लेते हैं, e की घात लेने पर, e की हम जैसे ही क्या लेंगे, घात लेंगे, तो e और log तो कैंसिल, यानी इधर तो हो गया x स्क्वायर y और उधर क्या हो जाएगा, e की पावर में आ जाएंगे, e की पावर में आ जाएगा y प्लस ए सी बटा, और यही आपका क्या है भाई, आंसर है। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है, नहीं है, क्लियर, नोट करो भाई इसको।
हाँ भाई, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों पर क्या है अंडर रूट और इक्वल टू क्या है, जीरो। दोनों पर क्या है अंडर रूट और दोनों पर क्या है भाई, जीरो है। अगर दोनों पर जीरो है, इधर देखो हमें क्या करना है, चरों को पृथक करना है। फर्स्ट कंडीशन है चरों को पृथक करने वाली बात। हम चरों को पृथक कैसे करेंगे, पहले दोनों पर अलग अलग करो अंडर रूट को, और दोनों पर जैसे ही हम अलग अलग करेंगे अंडर रूट को, तो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल जीरो। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें कंप्लीट में, इसको एक बार उधर ट्रांसफर करते हैं। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है भाई, डी एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वन माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो देखो इधर डी वाई बटा वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर माइनस डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हम इसको ये लिख सकते हैं डी वाई बटा वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस डी एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल जीरो। हम क्या करेंगे आगे, इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर क्या, करने पर समाकलन, हम जैसे ही इसका समाकलन करेंगे डी वाई बटा वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस डी एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू जीरो, और ये हमने इसका क्या कर दिया समाकलन। और जैसे ही समाकलन करेंगे ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन इनवर्स वाई, ये तो क्या हो गया साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर सी। ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है, फिर से देखो हम इन दोनों को क्या करेंगे डिफरेंट करेंगे। दोनों को हम डिफरेंट करेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रांसफर कर लेंगे, और अलग अलग ट्रांसफर करके हम एक तरफ कर देंगे, और एक तरफ डी वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई, और ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। ये आपका आंसर। ठीक है भाई, नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे के सवाल सभी करेंगे, और बाकी हम कल बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।